Hi everyone, welcome and welcome back to my channel. So my name is Shikha. So आज का जो वीडियो होने वाला है, it's gonna be an outfit from scratch video. तो आज जो मैं आप लोगों के साथ outfit share करने वाली हूँ, basically inspired है. तो आयजा खान, जिनको नहीं पता है, वो एक पाकिस्तानी एक्ट्रेस है, मुझे बहुत ज्यादा पसंद है और मैं उनके बहुत सारे सीरियल्स देखती हूँ. तो मैंने इंस्टाग्राम पे उनका ये वाला आउटफिट देखा था और मुझे ये बहुत ज्यादा पसंद आया एंड आई रियली वॉन्टेड टू हैव इट. लेकिन इसकी जो कॉस्टिंग है वो है 1 लाख समथिंग, तो इट इज वेरी एक्सपेंसिव. तो मैंने सोचा क्यों ना मैं इसको खुद ही बनाती हूँ अंडर बजट. तो इस आउटफिट को बनाने में मुझे बहुत ज्यादा मेहनत लगी है, स्पेशली दुपट्टे. सबसे मेजर जो काम है वो है दुपट्टे पे, और दुपट्टा बनाने में मुझे बहुत ज्यादा टाइम लग गया, 10 to 15 days मुझे लग गए. सो चलिए स्टार्ट करते हैं. यहाँ पे सबसे पहले मैं चली गई थी फैब्रिक लेने के लिए. मुझे सिमिलर पैटर्न का मिल गया था, इसे फ्रेंच सिल्क कहते हैं. मैंने ये ख़रीदा था 4.5 meters का, क्योंकि जो मुझे लेंथ थी वो ऑब्वियसली मुझे लंबी चाहिए थी. तो यहाँ पर मैंने ख़रीद लिया था. एंड देन उसके बाद जो दुपट्टा था वो मैंने नेट का ख़रीदा, डायबल वाइट, और फिर मैंने उसको डाई करवा दिया. इट वॉज़ 2.5 meters, जो कि मुझे 150 rupees का पड़ा टोटल. देन जो मेजर काम था वो था गोटे के फूल और पत्तियाँ ढूंढना. तो ये बहुत मुश्किल टास्क था मेरे लिए, क्योंकि यहाँ पे अवेलेबल नहीं थी इतनी ईजिली चीज़ें. देन बहुत घूमने के बाद, बहुत मेहनत करने के बाद कि मुझे फाइनली मिल गए. तो मैंने सारी चीज़ें ले ली, जिसमें थी सीपियाँ, गोटे के स्टार्स और पत्तियाँ एंड लेसेस. देन अब यहाँ पे मैंने लेसेस लगाना स्टार्ट कर दी दुपट्टे पे. तो दुपट्टे पे सबसे पहले मैंने लगाई गोल्डन लेस, एंड देन उसके साथ मैंने लगाई लाइट गोल्डन की. मैंने 2 shades की लेसेस ली थी. यहाँ पे मैं ग्लू के साथ उसको पेस्ट कर रही हूँ. ग्लू आई एम यूजिंग B7000, ज़रूरी नहीं आप यही यूज़ करें, आप कोई भी अच्छा स्ट्रॉन्ग ग्लू यूज़ कर सकते हो, फैब्रिक ग्लू काम नहीं करेगा. बाद में मैं इसको स्टिच कर दूँ. तो यहाँ पे मैं अपनी आसानी के लिए ग्लू यूज़ कर रही हूँ. अगर आपको स्टिचिंग ईजी लगती है तो डायरेक्टली आप स्टिचिंग भी कर सकते हो. ग्लू लगाने के बाद मैं स्टिचिंग लगाऊँ. नेक्स्ट काम था सीक्वेंस को लगाना. तो यहाँ पे मैंने एक बड़ा साइज़ का सीक्वेंस लिया है, एक छोटा साइज़ का सीक्वेंस लिया है. लेकिन अगर आपको इस तरीके से कटोरी वाले जो सीक्वेंस होते हैं वो मिलेंगे तो वो बेस्ट रहेंगे, क्योंकि वही यूज़ हुए हैं आयजा खान के दुपट्टे पे. बट मुझे ये नहीं मिले थे, तो फिर मैंने ये इस तरीके से कुछ सीक्वेंस उठाए. ये स्मॉल साइज़ है और दूसरे वाले जो हैं वो मीडियम साइज़ है. तो बस अब फिर मैंने थ्रेड लिया, फिर यहाँ पे मैंने सीक्वेंस लगाना स्टार्ट कर दिया था. मेक श्योर कि एक ही लाइन में लगे. तो यहाँ पे सीक्वेंस का जो तो पहला सीक्वेंस जो आप लगाओगे उसके जो टॉप होगा, इस तरीके से आपने सुई को नीचे की तरफ से लेना है, और फिर सीक्वेंस का जितना साइज़ होगा उसके अकॉर्डिंगली उतना डिस्टेंस लेकर ऊपर से निकाल देना है, और फिर सीक्वेंस डाल देना है. इसी तरीके से सारे सीक्वेंस लगेंगे. अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आ रहा तो आप स्लो करके या रिपीट पे आप बार बार देख सकते हो. देखिए सारे सीक्वेंस लगा दिए मैंने, एक लाइन में वो जा रहे हैं और नीट, काफ़ी नीट भी लग रहे हैं. तो यहाँ पे मेरा धागा कम पड़ गया था, तो अब मैं क्या करूँगी, यहाँ पे जो सीक्वेंस है धागे को मैं डायरेक्टली नहीं तोड़ूंगी, पहले जो मेरा सीक्वेंस मैंने लगाया है उसको मैं लॉक करूँगी, एंड देन धागा काटूँगी, नया धागा डालूंगी सुई में, एंड देन फिर से मैं कंटिन्यू करूँगी.
थी गोटे फूल और पत्तियां लगाने की, तो मेरे पास छोटे गोटे फूल नहीं थे, तो जो मेरे पास बड़े स्टार्स थे मैंने इन्हीं से ही फ्लावर बनाए छोटे। तो फिर ये है गोटे की पत्तियां, ये मुझे काफ़ी ज़्यादा मिल गई थी, ये मुझे 900 ग्राम्स मिल गई थी 150 रुपीज़ की। अब मैं यहाँ में क्या कर रही हूँ, छोटे फूल बना रही हूँ, क्योंकि इस तरीके से छोटे फूल लगे हैं दुपट्टे पे। तो मैंने क्या किया है, मैं सारे जो पत्तियाँ हैं, जो जितने भी पेटल्स हैं फूल के, मैं उसको उसी के अकॉर्डिंगली फोल्ड करते जा रही हूँ पीछे से सेंटर तक। ये देखिए फूल मेरा रेडी हो गया है, अब मैं इसको स्टिच लगा दूंगी ताकि ये खुले ना। और मैं ये देखिए मैंने बहुत सारे बना दिए हैं इस तरीके से, और इनको स्टिच भी लगा दिया है, पक्का कर दिया ताकि ये खुले ना। और पूरे दुपट्टे के बॉर्डर्स पे, सारे दुपट्टे के बॉर्डर पे मेरे इतने छोटे फूल यूज़ हुए हैं। और अब ग्लू की हेल्प से पहले मैंने पत्तियाँ लगाई, एंड देन अब मैं फूल लगाते जाऊँगी कुछ इस तरीके से एक ही रो में। तो मैं ग्लू की हेल्प से कर रही हूँ, बाद में मैं इसमें फूल पे मैं लगाऊँगी 4 स्टिचेस और पत्तियों पे लगाऊँगी मैं 2-2 स्टिचेस। फूल और पत्तियां लगाने के बाद उसके साथ पार्लर में एक और रो लगेगी ये सीक्वेंस की, तो मैंने वो भी लगा दिए थे सेम उसी प्रोसेस से जो मैंने आपको पहले बताया। तो जी यहाँ पे जो गैप रह गया था उसे भी मैंने फिल कर दिया है, जो मैंने आपको स्मॉल साइज के सितारे दिखाए थे उससे थ्रेड की हेल्प से कुछ इस तरीके से जिगजैग शेप में सेम स्टिचिंग पैटर्न से जो मैंने आपको पैटर्न पहले दिखाया स्टिच करने का। तो जी अब बारी आती है स्टार्स को लगाने के लिए, गोटे के स्टार लगाने के लिए पूरे फूल में। तो पहले सबसे पहले मैंने रफली ऐसे प्लेस कर दिए थे, पहले मैंने चेक किया कि कहाँ कहाँ अच्छे लगेंगे, देन उसके बाद फिर मैं इसको ग्लू करके लगा दूँगी और फिर स्टिचेस लगा दूँगी। इस तरीके से पहले मैंने सारे प्लेस कर लिए, रफली मैंने देखा कि किस तरीके से ये फिट होंगे, अच्छे लगेंगे। फिर उसके बाद अब मैं एक एक करके सबको ग्लू कर रही हूँ, एंड देन उसके बाद मैंने अगेन इस पर 4-4 स्टिचेस लगा दिए। बैक से ये कुछ लुक है, मैंने पीछे लगाए थे 10 बटन्स और बाजू पे मैंने लगाए हैं 5-5 बटन्स, और जो लूप है ये मैंने एक्स्ट्रा ऐसे डिज़ाइन के लिए लगा दिए थे। तो ये बहुत प्रिटी सा टर्न आउट हुआ है, और फुल स्लीव्स है, लेंथ मैंने 46 लगवाई थी, और ये इस तरीके से कुछ ब्यूटीफुल सा टर्न आउट हुआ है, सिंपल प्लेन एलिगेंट एंड क्लासिक। गाइज आई रियली होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो, प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। मुझे इस आउटफिट को बनाने में बहुत ज्यादा मेहनत लगी है, मैंने एक एक चीज खुद लगाई है, तो मेरे एफर्ट्स के लिए आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल। अगर मुझसे कुछ भी पूछना चाहते हैं तो आप मेरे इंस्टाग्राम पे मुझे डीएम कर सकते हो, इंस्टाग्राम का हैंडल यहाँ पे आपको दिख रहा होगा और लिंक जो होगा वो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय।